रीवा में नगर निगम इंजीनियर और ठेकेदार की मिलीभगत से बोदाबाग कॉलोनी ठाकुर रणवत सिंह वार्ड क्रमांक 7 में घटिया निर्माण होने से 2 माह पूर्व बनी PCC रोड की गिट्टी उखड़ने लगी तथा रोड पर गड्ढे ही गड्ढे होने लगे। लोगों द्वारा बताया गया कि यह नई रोड 2 माह पूर्व बनाई गई है और जो पहले की PCC रोड थी वह एक भी नहीं उखड़ी थी। उसी रोड के ऊपर से यह नई रोड बनाई गई है जो गड्ढों में तब्दील होने लगी है, जिसमें आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं। बाढ़ वासियों की शिकायत पर बाढ़ पार्षद के द्वारा नगर निगम में शिकायत भी की गई, लेकिन पार्षद की शिकायत को नगर निगम के अधिकारियों ने रद्दी की टोकनी में डाल दिया और कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। बाढ़ वासियों द्वारा मांग की गई है कि ठेकेदार एवं जिस इंजीनियर की देखरेख में काम करवाया गया है उस ठेकेदार व इंजीनियर के ऊपर सख्त कार्रवाई कर पुनः रोड का कार्य कराया जाए। कॉलोनी बोदाबाग, ये कब सड़क बनी है? यह भाई 2-3 महीना भा भैया, गिट्टी तो सब उखड़े लाग। हाँ तो अब ये में बनी है, एक नई रोड बनी है, नई रोड पुरान पहले से सीमेंटेड रही है। हाँ तो पहले वाली बल्कि ऐसे कम उखड़ी है, बिल्कुल नहीं उखड़ी रही, पूरी सही रही रोड। अब फेरो बना दी ना, ये गंदा ये पूरा उखड़ा लाग एकदम, यह गड्ढा हो गए हैं। अपना के नाम का है प्रवीण तिवारी। प्रवीण तिवारी जी जी जी। तो एकर विरुद्ध जब बनत रहा और घटिया सामान के उपयोग करत रहे तो अपना कुछ नहीं बोलन? और उस समय हो गया कहीं के हो गया अपन बनाई ना, अब के बोले उनसे ठेकेदार वगैरह का जानी चुको है? नहीं जानी चुके हैं। नगर निगम एक बनाई थी, अब नगर निगम तो ठेका भाव हुई तो पूरी एकर खराब हुई है। शासन से अपना का चाहिए कि एकर जाँच हो चाहिए। हाँ रोड सही बना पुल बनाया जाए सही होगा है ना, जांच हो तब का शासन करी जांच कहके रिकवरी निकाले। हाँ जांच कहके रिकवरी निकाले। हाँ साइड में आप सही रोड बनाई कहाँ वो बनाई नहीं साइड में और कहाँ नहीं बनाई ना यहाँ उनका। तो यह हालत ही रीवा नगर निगम के द्वारा ठेका दिया गया है जिसमें ठेकेदार द्वारा सामग्री सीमेंट की बचत कर और घटिया सामान से रोड बनाया गया, जिसको लोगों द्वारा उठाया गया कि ये देखिए पूरी हालत। तो अपना पार्षद साहब से मिलन? हम पार्षद से मिलन, उनसे शिकायतों की इन्होंने विषय में कहा बहन वो करी, उन्हों को जानकारी है वो बताएं कि हम वहाँ पर जानकारी दी है, लेकिन इन पर कोनो अब तक आज तक कोनो कार्यवाही भय नहीं। कहीं कहीं वो ब्लैक लिस्टेड हो गया है ठेकेदार, तो ब्लैक लिस्टेड हो गया तो वो तो कर तो जो पेमेंट वेमेंट हो कर रहा था वो तो हो गया, अब बाद में ब्लैक लिस्टेड हो गई है तो अब वो का और काम करे कर रहा है, थोड़ा बचा है वो वाली रोड बची है। तो पेमेंट कसके भाव अधूरा काम में पेमेंट छोड़ो हो? नहीं तो पार्ट पेमेंट होते हैं ना, तो अपना पूरा काम तो ठेकेदारी में तैचन है नहीं कि सगला काम कह दही तो फिर उसके बाद पेमेंट हो, पार्ट पेमेंट हो तो पार्ट पेमेंट उनका लागत निकल जाए है, बाकी तो अपना ये विषय में का चाहिए थे? हम ये चाहे थे कि ये रोड फिर से बनाए, अच्छे से बनाए, एक क्वालिटी सुधरा नहीं तो एक पहले वाली रोड तो नंबर एक के रही है रोड, आज तक एक थे गिट्टी नहीं उखड़ी, एक तो पूरे देख ले कि पूरी रोड उखड़ी है, गिट्टी के तो बात छोड़ दी पूरी रोड उखड़ी है, एक एक गिट्टी निकली रही है, कुछ दिन में यहाँ पता ला के गड्ढा के अलावा रोड न रही है, पूरे मोहल्ला के रोड यमे के हैं। तो शासन से अपना ये मांग करे चाहिए कि ये पुनः दोबारा जाँच हो और ऊपर कार्यवाही हो और एक फिर से बनाई जाए। जी जी नाम दोबारा एक अशोक तिवारी। अशोक तिवारी जी जी धन्यवाद। कहाँ के रहने वाले हैं? ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बोदाबाग। वो है अपना पार्षद। पार्षद जी को? हाँ पार्षद शिवदत्त जी पांडे उनकर वाइफ हैं। अच्छा जी जी। तो एक वार्ड नंबर 7 ठाकुर रणवत सिंह वार्ड। जी जी ठीक। टैलेंट स्कोप हमें आवश्यकता है। टेलीकॉलिंग और रिक्रूटमेंट कार्य के लिए शिक्षित लड़कियों की आपके शहर रीवा में वेतन 7,000 से 12,000 दिया जाएगा, जो कि आपके काम पर निर्भर होगा। कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है।
और 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। प्लेसमेंट या ज्वाइनिंग के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं। इंटरव्यू के लिए संपर्क करें। हमारा पता है टैलेंट स्कोप, 3rd फ्लोर, लोटस टावर, विष्णु विलास होटल के बगल में, खुटेही रीवा। हमारा नंबर है 0979-06-3020, 0996-9146-08।